ये भी ब्लॉगर बन जाए तो पता नहीं ना बन सकती है। हम कड़े लगन कड़ी मेहनत से मम्मी मुझे खाना नहीं देती है। जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के मेरे एक और शानदार वीडियो में। आज का वीडियो कितना ज्यादा शानदार होने वाला वो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मेरा जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो वापस से अब 19 तारीख से ही होगा। तो मुझे वापस से एग्जाम में एकदम कड़े लगन कड़ी मेहनत से उसमें लग जाना है। वो जो पेंटिंग था मेरा लगभग मतलब समझो तो सूट पूरा ही कम्प्लीट हो गया, दुपट्टा का भी दोनों साइड कम्प्लीट हो गया, बस उसमें बूटी बनाने का है। क्या है ना, इतना ही पतला कपड़ा है ना, अगर एक जगह करती हूँ ना दूसरी जगह लगता है तो वो गंदा हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत धीरे धीरे करना पड़ा। और क्या बताऊं, 2 बजे मेरा नींद लगा और अभी मुझे उसको थोड़ा देर करूंगी, उसके बाद फिर जाके काका को दे दूंगी। फिलहाल के लिए भी चलते हैं दुकान पे, देखते हैं मम्मी वगैरह क्या बना रही है आज के नाश्ते में। नाश्ते पानी में क्या बन रहा है पता नहीं, क्या बन रहा है, कुकर है तो कुछ ना कुछ घुगनी टाइप का बन रहा है, लाल चना। हाँ चना, तो दाल। अच्छा वो मसूर, मसूर मसूर का घुगनी बन रहा है, मसूर और रोटी। तो चलो आज का भी ब्रेकफास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, फिलहाल चलते हैं दुकान पे। बैठे 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 हम लोग आग बैठे, हम लोग आग तापे, आग सेके, जरा सा बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, पता है। तो अभी मैं हूँ दुकान पे और यहाँ हम लोग सेक रहे हैं आग, देख रहे हो एकदम आग जलाए, बहुत ज्यादा ठंडी हो गया पता है आजकल ना, 2-4 दिन से बहुत ज्यादा ठंडी पड़ा हुआ है, क्या बताएं। तो उधर आप लोग की तरफ तो और ज्यादा ठंडी है, पूरा ठंडी होगा पूरा एकदम, आप लोग का तो और उधर गाँव में घर है, हम लोग तो फिर भी बच जाते हैं, इधर को टेंशन नहीं होता। लेकिन एक बात है मोनू, यहाँ आपका जो है अंदर के रूम में थोड़ा सा हवा लगता, उधर नहीं लगता, मेरे रूम में पता ही नहीं चलता, मेरे रूम ना थोड़ा सा अंदर पड़ता है, वहाँ तो एकदम नहीं पता चलता ठंडी का। और जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ भाई साहब अभी सही हुआ था, थोड़ा सा ठीक हो गया, हल्का है। तो अभी मैं खाने लगी केक, क्योंकि मम्मी मुझे खाना नहीं देती है, दुकान में मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें की पता नहीं क्यों उसमें मुझे चाट मसाला लेना था। तो अभी तो आज मैं बाहर नहीं गई, मतलब क्या बताऊं यार, पेंटिंग करने का था मुझे और वैसा कुछ काम नहीं था। मैं सोच रही थी कि आज लाइब्रेरी जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो हटाओ कल से चलेंगे। फिलहाल आप लोग मेरा पेंटिंग देखो, ये ना कंप्लीट हो गया, मतलब दोनों साइड में मैं इस तरह से की हूँ, लेकिन ना इसके बीच में मैं कुछ भी नहीं की। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि अभी पता है समय भी नहीं है ज्यादा। रुको तो इस तरह से नीचे तो दिख रहा है, मतलब दोनों साइड से दिखेगा, ऊपर ही थोड़ा प्लेन रह गया, तो वही सोच रही हूँ मैं करूँ या नहीं, क्योंकि एक तो समय नहीं है ज्यादा, जो करना है अभी करना है, शाम में जाके इस दुपट्टा और सूट का कुछ ये था, मैं दिखाऊंगी अभी ना आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी। फिलहाल देखती हूँ, बीच में अगर मन होता है तो कुछ करती हूँ, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। और अभी तो खाना पीना खा के भी मैं आ गई हूँ, पता नहीं मैं कितना ऊपर लेके चल गई, खाना पीना खा के भी मैं आ गई, मेरा रूम कल से इतना गंदा पड़ा है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, चारों तरफ बस 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 ऐसे ही है। गई थी और सो के उठने के बाद इतना ही जोर का ठंडी लग रहा है, क्या बताऊं। गुड़िया भी घर आ गई है, गुड़िया लगा ठंडी ठंडी पता है। मैं तो सोच रही थी ना कि लाइब्रेरी में गर्मी लगता हो, कल से मेरा प्लान था कि लाइब्रेरी जाकर पढ़ूं। हां कौन कैसे घुमाती है तुमको, तुम ही ना बोलो, तुम मुझे बोले अब तुम क्या चाहती हो, ये चाहती है कि ये भी ब्लॉगर बन जाए तो पता नहीं ना बन सकती है इतना जल्दी, समय लगता है हर चीज में, एक क्या बोलते हैं उसको, वो लगता है मेहनत लगता है, एक प्रैक्टिस लगता है, तभी उस चीज में परफेक्ट हो सकता है। मतलब अभी तक मैं भी परफेक्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे खुद में ऐसा लगता है कि मैं पहले के कंपेयर, अब मैं जो 1 साल पहले थी उस कंपेयर में अभी मैं बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हूँ। बाकी मैं ये सोच रही थी कि मैं जाके लाइब्रेरी में पढ़ूंगी, मेरा यही प्लान था आज भी, लेकिन ये जैसा बता रहे कि वहां तो और ठंडी लगता है, लेकिन अब नहीं जाने वाली हूँ मैं, घर पे पढ़ लूँ मैं। वो मेरा पेंटिंग तो कंप्लीट हो गया, जाती हूँ मैं पापा को देने के लिए। फिलहाल कॉफी मिलेगा, कॉफी पिएगा, कॉफी पिएगा, कुछ भी गर्म चलेगा, कुछ भी गर्म चलेगा, हम कुछ भी खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते, मैगी भी चलेगा, कुछ भी खिला सकते हैं, गर्म गर्म थप्पड़ भी खिला सकते हैं। फुर्सत के दो पल विद मम्मी और गुड़िया दीदी, लीजिए मम्मी आपके लिए आज कॉफी बनाई, आज मम्मी कॉफी बनवाई अपने लिए, ठंडी बहुत है यार, बहुत ज्यादा। चीयर्स। कैसा कॉफी बनाया हम, कैसा लगा,
मम्मी बोल रही है आज मेरे लिए भी कॉफी बनाओ। अच्छा चाय नहीं बनाना पड़ेगा, अभी पापा का चाय चढ़ा के आते हैं हम। अच्छा कॉफी तीनों माँ बेटियाँ पी रही है, बेटा को भूल गई है। आया किस तरह से, प्लेट तुम्हारे लिए लाए, डालो सबको तीनों, एक तीनों डालो इसमें प्लेट में, थोड़ा थोड़ा डालो, पिएगा प्लेट में, चटेगा कहीं का। दो तुम अपना दो, मम्मी हो ना, मम्मी का रसगुल्ला लग रही है गुड़िया, मेरी रसगुल्ला वाला कौन गाना था। घर पे बनने वाला है ब्रेड रोल, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं हम नहीं खाते, अरे काहे के खा लेंगे, मम्मी बोल रही है गुड़िया चार वो खा लेना। देख रहे दोनों का ये लड़की चोर, कहीं की मेरा आईने चुराग पहन लिए, तुमको कोई शरण नहीं देगा, कहीं शरण नहीं मिलेगा, कहीं शरण जितना चीज चाहिए सब बर्थडे में ले लेंगे। हाँ ले लो, और क्या होता है ये वाला कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं, कर लो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, मतलब चार चार बुक्स को एक साथ, चार नहीं पांच पांच बुक्स को एक साथ। तभी बैठी थी मैं कुछ नोट्स बनाने के लिए, मतलब जो जो समझ में आ रहा है उसका एक छोटा सा मतलब क्विक सा वो ले रही हूँ रिव्यू टाइप्स। मतलब क्या है ना, अगर स्टोरी समझ में आ जाता तो मेरे में इतना है कि मैं वहां एग्जाम के टाइम पे पांच छह पेज ऐसे लिख दूंगी, मतलब स्टार्टिंग से है ऐसा। एक चीज अच्छा है, बहुत अच्छा है मतलब, तो बस वही मैं समझ रही हूँ, क्योंकि एक चीज है कि इंग्लिश है, इंग्लिश लिटरेचर है तो स्टोरी वगैरह ही रहता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है, बट फिर भी स्टिल डर तो लगता है यार फाइनल एग्जाम है, मतलब कुछ होना नहीं चाहिए। दो टर्म बहुत अच्छा गया है तो फाइनल को भी अच्छा लेके जाना है। फिलहाल 10 बज गया है, टाइम देख लो, उल्टा फोन मेरा लटका हुआ है क्योंकि यहाँ जो एक्सटेंशन बोर्ड था ना वो स्लाइड के वजह से नीचे रखा गया है और सब कुछ मतलब इधर उधर हो गया। तो अभी जा रही हूँ मैं मतलब डिनर करने के लिए, उसके बाद फिर आपके बाकी का पढ़ा जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि आज कम से कम चार पांच टॉपिक मतलब कंप्लीट कर दूं, अभी दो हुआ है, हो जाएगा आगे भी। तो आज मैं गई थी ना कपड़ा देने के लिए, तो एक एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, मतलब एक्स्ट्रा क्या, मैं सोची थी कि नहीं लाऊंगी, लेकिन मतलब लिटरली यार मेरा जो गोल्डन वाला जो पेंटिंग था ना वो शूट पे गोल्डन कलर से, वो काका लोग को इतना अच्छा लगा कि बोले ना कि एक ब्लैक कलर का ले जाओ और उसपे भी उसी टाइप का करना, तो इसपे भी मैं करूंगी उस टाइप का। फिलहाल चलो चलते हैं डिनर करके आते हैं, उसके बाद फिर अपने काम में लगेंगे। वैसे अभी पेंटिंग नहीं करूंगी मैं, फिलहाल भी मैं पढ़ाई करूंगी, तो आती हूँ ऊपर से, उसके बाद फिर बात करेंगे आप लोगों से। अगर इंसान हेल्प कर देता है ना तो उसको बहुत बुरा लग जाता है, देखते हो ना, मतलब गर्म पानी की ठीक है बिना बोले मैं लेके यहाँ से वहाँ चली गई तो आके गर्मी दिखा रही है, काहे लाई तुम। बोले इंसान को जितना बोला जाए उतने करना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा कर दे तो एक्स्ट्रा कर दे, ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश करे ना। तुम इतनी लंबी तो नहीं थी ब्रो, इतनी लंबी कैसे हो गए रातों रात, जितना बोले उतना करो, ठीक है।